हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, और आज मैं घर पे हूँ, जिम नहीं जा पाई, तो आज मैं अपना ना जो ब्रेकफास्ट है, पोहा, वो लेकर बैठी हुई हूँ। तो मैंने बोला स्टार्ट करती हूँ व्लॉग, और आज मुझे जिम नहीं जाना है, क्योंकि जो आज मेरी गाड़ी है, मैं बस रेडी हुई हूँ, स्टार्ट की हूँ। मेन अपना हमारा कॉलोनी का जो मेन गेट है, वहां तक पहुंचा है, गाड़ी बंद पड़ गई। तो अभी देखिए, मैं चेंज भी नहीं क्यों पहनी हुई हूँ, और ठंडी बहुत है, मैं डबल डबल स्वेटर पहनी हुई हूँ। तो ये है कि गाड़ी बंद हो गई, तो मुझे वापस आना पड़ गया, और आज मेरा जिम मिस हो गया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिम मिस हो रहा है मेरा। पीहू भी स्कूल चली गई है, और ब्रेकफास्ट के बाद आज मैं किचन में बनाऊंगी मिक्स तड़का दाल और सेम की सब्जी। तो ठंड की सेम है जो, वो तो ज़्यादा टेस्टी होती है, तो मुझे सेम खाने का मन था, तो आज मैं सेम बना रही हूँ। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। हे गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ, और चॉप करने के लिए मैं लहसुन जो है वो कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। और तड़का में मैं एक्चुअली सेम बनाऊंगी, सेम की सब्जी, तो उसके लिए मैं लहसुन वगैरह कर रही हूँ और मिक्स तड़का दाल बना रही हूँ। तो दोनों के लिए इकट्ठे ही मैं कर ले रही हूँ, ताकि अलग अलग ना करना पड़े, किचन का काम भी निपट जाएगा मेरा। और आज सुबह से मैंने एक न्यूज़ देखा था, तो मुझे काफी मतलब सुनकर अच्छा नहीं लगा। मॉर्निंग में ही मैंने देखा, तो तब से उठी तो सोची कि ऐसा हो सकता है क्या, निर्भया कांड से रिलेटेड। आप बताइए कमेंट्स कर, आपने सुना है कि नहीं। मैंने सुना है, अब कितना सच है कितना नहीं वो तो पता नहीं, कि उसके जो निर्भया जो थी, लड़की थी जो उसके साथ, जो उसका फ्रेंड था, वो सारे न्यूज चैनल में उस समय आने के लिए पैसे लेकर आता था, और मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया था इस केस को उसने। बट वो बंदा जो उसकी फ्रेंड है, जिस उसके आंखों के सामने वो सारा चीज हुआ है, और उसने उसके बाद भी उस चीज को मतलब कि एक बिजनेस बना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक अगर देखा जाए, उसके आंखों के सामने सब कुछ हुआ, उसके साथ भी बुरा हुआ, उसके बाद भी उसने इस चीज को इस तरीके से किया, ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि सोचो मतलब इंसान आज इतना गिर गया है कि उसे लोगों की वैल्यू नहीं रह गई है, बस कहीं से भी पैसा कमाना है, कैसे भी, किसी भी हाल में। और ये सुनकर बड़ा दुख लगा मुझे कि देखो, लोगों के बीच अब इमोशनल जो वो अटैचमेंट होता है ना, वो सब खत्म हो गया है। सारा जो लाइफ है सिर्फ प्रैक्टिकल रह गई है, सिर्फ प्रैक्टिकल इंसान जी रहा है आजकल। अगर गिव एंड टेक वाला हो गया है लाइफ, कि अगर आपसे फायदा होगा तो आपसे मतलब रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखना है। ये सुनकर भी बड़ा दुख लगता है कि सोचिए, आज जब जो निर्भया है, उसके माँ बाप ये सुन रहे होंगे, तब उनको कैसा फील हो रहा होगा कि उसका ही दोस्त था, जो उसकी बेटी का दोस्त, उसने इस तरीके का काम किया। और कितना सच है कितना नहीं वो तो पता नहीं, बट अभी ये न्यूज काफी हॉट न्यूज हो रही है, तो मुझे भी लगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि आपको क्या फील होता है, क्या उसने ऐसा किया है कि नहीं किया है। आई डोंट नो, बट अगर किया है तो बहुत गलत किया है। सो फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी मसाला रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं तड़का लगाने वाली हूँ। और कंप्लीट रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, बस मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे मैंने किया है, क्योंकि रेसिपी अगर शेयर करी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। और मैंने बोला बीच में, मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया कि मन में आज सुबह से यही चल रहा था, तो मैंने बोला आपसे डिस्कस करती हूँ और थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दाल के लिए मैंने रेडी कर लिया है, हरी मिर्च है, टमाटर है, लहसुन और अदरक है, इसको चॉप करूंगी, फिर तड़का लगाऊंगी मैं। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं चॉप कर ले रही हूँ, और चॉप करने के बाद मैं मसाला भी रेडी कर ली हूँ, सब चीज़ जो जो चाहिए वो निकाल ली हूँ। आप देख सकते हो, जीरे से तड़का लगाकर फिर वो खड़े मसाले भी मैं यूज़ करूँगी दाल में तड़का लगाने के लिए, ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ।
क्योंकि थोड़ा तीखा हो जाता है दाल, तो कम ही डाली हूँ। और ये देखिए अब ये तड़का रेडी हो गया, और दाल में मिक्स कर कर एक सीटी बस लगवाना है मुझे और मेरा दाल रेडी हो जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं दाल रेडी कर चुकी थी, बस एक सीटी लगवाना है फ्लेवर के लिए। पीहू, आप स्कूल से आ गए? किसका बर्थडे था बेटा? हाँ, इतना सारा गिफ्ट मिला आपको? क्या क्या गिफ्ट मिला है बताओ। बबल्स, इतना बिग वाला बबल्स मिला है आपको, और ये, और फ्रूटी। वाओ, आपको तो मजा आ गया ना। पीहू को इतना सारा गिफ्ट मिला है। अब आपका पानी गर्म हो रहा है, मम्मा है आपको नाई नाई करवाइए, ठीक है? ओके, और फिर खाना खाएंगे। मैं तो ये देखा हाँ, ही नहीं, मुझे यही हाँ बबल्स का। मन ओ वेरी नाइस, आपको तो मिल गया अब। ओके चलो, मम्मा आपको नहाने ले जाएगी, चेंज करवाए। तो फ्रेंड्स, पीहू का कोरियर आ गया है। आई थिंक पीहू की नानी ने गिफ्ट किया है उसे, खोल के देखेंगे स्पोर्ट्स भाई। डे का इसका गिफ्ट है जो ड्यू था। तो मेरी मम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था इसके लिए गॉगल्स, वही आया है अभी। चलो तो पीहू मैं का, आपको बबल्स दिखाऊंगा। पीहू को तो आज बहुत सारे गिफ्ट मिल गए, है ना पीहू? स्कूल से भी मिल गया और पीहू का गिफ्ट भी आ गया। पीहू बेटा देखो, ये देखो आपका, आपको भी ऐसा वाला मिला है। ये देखो आपका गॉगल्स का, देखो बॉक्स पैकिंग तो अच्छी है। रुको दिखाने दी दो, रुको खोलते हैं। ओ वाओ, पीहू का प्यारा सा गॉगल्स, बहुत प्यारा है। देखो लगा के, इधर आओ दिखाओ, मैं गैस बंद करके आऊँ। नानी को थैंक यू बोलो। देखो नानी ने आपको गिफ्ट भेजा ना, कितना प्यारा सा है। पहन के मैं दिख, वैन में पहन के अच्छा, जाऊंगा। और इसका बॉक्स भी इतना अच्छा है, इसके साथ बॉक्स भी है पूरा क्लीन करने का, इसको क्लीन करने के लिए, इसके ग्लासेस को साफ करने के लिए है ना, बच्चे लोग के लिए। हाँ बच्चे लोग का है, बच्चे लोग का ग्लासेस साफ करने का है। अब लगाइए साफ करके, इसमें रख दीजिए उसको उसको। हाँ ये अब आप लगा के दिखाइए सबको, क्लीन करके दिखाइए आप लगाते। वाओ सो प्रिटी, बहुत अच्छा लगा। अब रेडी, अब मम्मा बबल दे रही है आप लोग को। और बबल्स, और बबल्स, हे गाइस गुड इवनिंग। हम अभी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, पीहू पढ़ने बैठ गई है। और पीहू और क्या, मैं कल रात को खेल रहा था। और पीहू अपना चश्मा लेकर पढ़ने आई है, दिखाओ गई, चश्मा लगा के पढ़ेगी ये। आज नानी का गिफ्ट है ना, उसे बहुत पसंद आया ना। चश्मा लगा के आप पढ़ोगे? दिखाओ तो, चश्मा लगा के कैसे पढ़ते हो? लगाओ तो अच्छे से। चलो अब पढ़ो। तो डी बना रहे थे ना, स्मॉल डी, क्या है ये स्मॉल डी? बनाओ। वेरी नाइस, स्मॉल डी। अब नीचे नेक्स्ट, रेड लाइन तक नहीं बेटा, खाली ब्लू लाइन तक जाना है, रेड लाइन तक नहीं जाना है। ओके ठीक है, रुको मम्मा इसको है ना मिटा रही है, आप फिर से करो ठीक है। ये देखो मम्मा ये कर दिया, आप चलो फिर से बनाओ, डी बनाओ स्मॉल डी। पीहू जल्दी से डी बनाओ। फिर आपको कैंडी चाहिए कि नहीं, ऑरेंज कैंडी? सबको ले, सबको भी चाहिए। चलो चलो डी बनाओ।
सबके लिए दे दो। सबको दूंगी मैं, सबको। चलो अब भी बनाओ, यहाँ तक लाइन खींचना है बस। ओके चश्मा पहन पहले। अरे चश्मा पहन के क्यों? चलो भी बनाओ, यहाँ तक ब्लू लाइन तक बस लाइन खींचना है। ओके जल्दी करो। पीहू है ये नहीं है, पीहू गंदी लड़की है, इससे आप लोग बात मत करिएगा। चलो बस अब बनाओ। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, मैं पीहू को पढ़ा लेती हूँ, वो ऐसे ही कर रही है और थोड़ा सा अभी कैमरा देखकर कुछ ज्यादा ही बदमाशी कर रही है, तो पहले मैं पढ़ाती हूँ फिर बात करती हूँ। सो गाइस, पीहू का होमवर्क हो गया और आपको मैं दिखाती हूँ, फेंक कर ऐसी बैग वगैरह फेंक कर वो गई है बाहर खेलने। बच्चों का आवाज सुनकर 7 बज रहे हैं, अभी 7 बज रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे थे, वो बिल्कुल फटाफट होमवर्क हो गया था उसका, 15 मिनट में होमवर्क कंप्लीट हो गया और वो गई बाहर खेलने। और मैं बोली करके अब जल्दी जल्दी कुछ कुछ काम निपटा लो, वैसे मैंने सारा काम निपटा लिया था, बर्तन वगैरह सब साफ कर लिया है और बस पीहू को छोड़कर आई हूँ, चेक कर आई हूँ कौन कौन खेल रहा है, क्योंकि बच्चों पे नजर रखना जरूरी होता है कि कहाँ किसके साथ खेल रहा है। तो मैं कभी भी उसे अकेले नहीं छोड़ती हूँ, जब भी वो खेलने जाती है मैं बाहर जरूर जाकर चेक करती हूँ किसके साथ खेल रही है। तो अभी बस मैं उसको छोड़कर देख कर आई हूँ, मैं बीच बीच में जा जाके 5 मिनट 10 मिनट बाद चेक करते रहती हूँ कि खेल रही है क्या कर रही है। तो थोड़ा मन में डर रहता ही है बच्चों का, और पीहू बहुत जल्दी रोने लगती है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा टेंशन रहता है उसका। और आज बहुत ज्यादा ठंड है, 2 दिन से कुछ ज्यादा ही ठंड हो गई है और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आज बनकर नहीं आई है और आज भी मेरा जिम छूट गया और मुझे लगता है कल भी मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि गाड़ी अभी तक कोई देने नहीं आया है, तो लगता है आई थिंक ठीक नहीं हुआ है, तो कल ही आएगा शायद, मे बी कल मिले मुझे, तो कल भी मेरा छुट्टी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि ठंड लग हो रही है बहुत ज्यादा, और मैं जाती हूँ किचन में, कुछ शाम हो गया, कुछ खाने का बनाऊ, कुछ खाने का मन कर रहा है इवनिंग में, और पीहू आएगी तो उसको दूध बनाकर दूंगी। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, ये ही था मेरा सिंपल सा रूटीन आज का, और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।